स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल पर। मैं हूं सरपुर से। अगर आप लोग देख रहे हैं AHMJ न्यूज, तो आप लोगों को ये कैसा लगा कि ये सब्जी क्यों सड़क पर फेंका जा रहा है? क्या सब्जी का कीमत आसमान छू रहा है इसीलिए, या फिर इसका रीज़न क्या है? पूरा सब्जी को क्यों सड़क पर फेंक कर पूरा सड़क जाम किया हुआ है? जाने इस वीडियो में पूरा रिपोर्ट आप लोगों को मिलेगा और पूरा रीज़न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से और क्यों ये सड़क पर सब्जी जो है फेंक रहा है। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक। टमाटर, घिया, यूं सड़कों पर पड़ा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि सब्जी मंडी में टोकरे में रख कर सब्जी वाले इसे बेच क्यों नहीं रहे हैं, और ये कौन लोग हैं जो इस सब्जी को सड़क पर यूं फेंक रहे हैं, गुस्से में फेंक रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या इन सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं? क्या इन सब्जियों के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं? क्या ये सब्जी कहीं से खराब है? ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अगर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। जरा समझिए, जरा सुनिए। खबर लखीसराय के बढ़िया की है, जहां नगर प्रशासन के खिलाफ सब्जी दुकानदारों का आक्रोश देखने को मिला। और आक्रोश ऐसा कि उन्होंने अपनी सब्जी जो ग्राहकों के लिए रखी थी बेचने के लिए, उसको सड़कों पर बिखेर दिया और अपना गुस्सा कुछ इस तरह से इजहार किया। गुस्से में आकर दुकानदारों ने सड़क पर ही अपनी सब्जियां फेंक दी, जिसे लूटने की लोगों में भीड़ भी उमड़ पड़ी। लोगों को जब सब्जियां यूं सड़क पर पड़ी मिल रही थीं, तो उनको आसमान छूती सब्जी के दामों में फ्री में मिल रही सड़क पर पड़ी सब्जी को उठाने से कोई गुरेज नहीं था। बताया ये जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सब्जी मंडी को कांग्रेस ऑफिस के मैदान में शिफ्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन सब्जी दुकानदारों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले सब्जी विक्रेताओं ने विरोध में 2 दिनों तक अपनी दुकानों को बंद रखा, लेकिन उनकी बात प्रशासन ने नहीं मानी। प्रशासन की तरफ से बार बार कांग्रेस ऑफिस के मैदान में दुकानदारों को शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा था। और अगर बात प्रशासन की इस फैसले की करें, तो प्रशासन ने एहतियातन खुले मैदान में, ताकि कम भीड़ लोगों की वहां पहुंचे, ताकि ज्यादा स्थान वहां पर रहे, इसी लिहाज से कोरोना से बचने के उपाय के तौर पर इन सब्जी विक्रेताओं से गुहार लगाई थी, या यूं कहें कि इनको आदेश दिया था। लेकिन सब्जी विक्रेताओं को ये नागवार गुजरा और इस अंदाज में उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट किया। हम कहना चाहेंगे इन सब्जी विक्रेताओं को कि अगर आप और हम मिलकर सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रशासन की नहीं मानेंगे, तो फिर उसके बाद कोरोना की जो जद है, उसमें आने के बाद हम कोसने का भी हक नहीं रखते हैं सिस्टम को। आपको बता दें कि प्रशासन के आदेश का दुकानदारों ने जबरदस्त विरोध किया, सब्जी फेंक कर सड़क जाम कर दी और प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क से सब्जी को हटवाया और जाम को हटाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि सब्जी मंडी लगेगी कहाँ। लेकिन जो कुछ भी दुकानदारों ने किया, वो सही तो ठहराया नहीं जा सकता। तो जाना आप लोगों ने कि सब्जी को सड़क पे फैलने का रीज़न क्या है, पूरा आप लोगों को जानकारी मैंने दिया। तो ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा चैनल मैंने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी खबर लेकर।